दुर्ग में पिछले दिनों नए बस स्टैंड के सामने स्थित जीवन रेखा परिसर में संचालित राकेश मेडिकल स्टोर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी, जहां बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद दुर्ग पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्ग के नए बस स्टैंड स्थित जीवन रेखा परिसर में संचालित राकेश मेडिकल स्टोर में दुर्ग पुलिस बीते दिनों छापेमारी कर नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ने में सफलता पाई थी। इसमें स्पोस्मो, प्रोक्सीवोन और अल्प्राजोलम की टैबलेट बरामद की गई थी। इसके बाद सभी नशीली टैबलेट को जब्त कर मामले की जांच की गई। बता दें, शुक्रवार की दरमियानी रात पुलिस ने जीवन रेखा परिसर स्थित राकेश मेडिकल स्टोर की घेराबंदी कर कार्रवाई की थी, जिसमें एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर एसीसीयू एएसपी ऋचा मिश्रा और दुर्ग एएसपी अभिषेक झा ने टीम गठित कर कार्रवाई की। कार्रवाई में दुर्ग पुलिस को सफलता हाथ लगी। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला यह है कि कल रात को हमें सूचना मिली कि राकेश मेडिकल स्टोर जीवन रेखा परिसर के पास 2 लोग हैं और वो नशीली दवाइयाँ खरीदने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली और क्राइम की टीम साथ में कार्रवाई की और उसमें वहाँ पहुँचने पर हम वो 2 लोग जिनका नाम था रिस्कम नेताम और अनिश राजपूत, उन दोनों लोगों से हमने 91 CRPC के तहत नोटिस देकर पूछा कि उनके पास ये दवाइयाँ कहाँ से आई। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने राकेश मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ खरीदी। तो इसी बेसिस पे हमने 3 आरोपी रुस्तम नेताम और अनिश राजपूत, इस मेडिकल स्टोर का ओनर गोवर्धन प्रसाद बंचोड़, इन 3 को हमने अरेस्ट किया और अपराध पंजीबद्ध किया है धारा 22-27 का और धारा 8 NDPS एक्ट के तहत। दुकान के मालिक को हमने गिरफ्तार किया है। उसके पास 16 स्पाजमो कैप्सूल के पैकेट और 10 एल्फाजोन टेबलेट्स के पैकेट मिले और जो 2 और व्यक्ति थे उनके पास 1 स्पाजमो कैप्सूल और 1 एल्फाजोन का पैकेट मिला। दोनों के पास 2 पैकेट मिले, तो टोटल हमारे पास 30 पैकेट हमको मिले। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।